हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद अवर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इन फीमेल्स. ओके, सो एज मोर देन 30 और द फीमेल हु आर इन रिप्रोड्यूटिव एज, ओके, सो दे हैव अ ग्रेट चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा और ब्रेस्ट कैंसर, ऑल्सो नोन एज अ लंप इन ब्रेस्ट. सो दैट्स वाई देर इज अ ग्रेट चांसेस ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर, लंप इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट एब्सेस. दैट्स वाई द रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ देयर ब्रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट in clinical practices. Okay, so it in India there is a cervical cancer is the first followed by the breast carcinoma. Okay, so first carcinoma in female jo hai, females mein first cancer jo ki cervical cancer hota hai, cervical carcinoma CA cervix, and second that is nothing but our breast carcinoma. Second risk of cancer is breast carcinoma. So itna jab risk diya hua hai to why we do not caring our breast. Okay, to make cause many problem. That's why early detection is the best treatment or solution in the breast examination. The breast examination we can show or we can reveal many you can say breast cancer, breast carcinoma, lump in breast, breast abscess. Okay, so breast examination you can see how we are examining the breast. So you are seeing over the skin we have 6 images. The first 3 images for the inspection of the breast and last 3 for the palpation of the breast. So we have to first inspect the breast. Okay, so first of all it is written here, inspect the breast without inspect with the arm by her side without telling to raising their arms. Okay, we have to inspect the breast. Okay, we have to see, or you have to see a kind of discharge is coming or not, or any lump is seeing or not. Okay, you have to see the kind of symmetry in the breast is not. Okay, that you have to examine, that you have to inspect. Inspect means you have to examine that particular part of the body. Okay, so inspect, you have to inspect without raising the hands, or you can say in stable manner of the female. Okay, then after that you have to say कि अ काइंड ऑफ यू रेज योर हैंड. ओके, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया, इंस्पेक्ट विद द आर्म्स रेज अबोव द हेड. सो वट एवर इट इज़ रिटन, इफ़ यू नॉट एबल टू रीड दैट थिंग्स, ओके, डेफिनेटली मैं उसको रिपीट कर ही रहा हूँ. तो आप फीमेल आप बोलना उनको कि आपका जो हैंड है वो रेज करिए. डेफिनेटली आफ्टर रेजिंग द हैंड जो मसल कुछ होते हैं, पेक्टोरियस मसल जो होता है वो कॉन्टैक्ट वगैरह होता है, एंड डेफिनेटली कोई ट्यूमर वगैरह होगा तो वो ईजिली विजिबली होता है. ओके, दैट्स वाई यू हैव टू इंस्पेक्ट द ब्रेस्ट after saying the after raising the hands of the females. Okay, then after that third inspect hum kaise karenge, females ko bolna hai ki aapka jo hands hai, you have you place your hands over the over your waist. Okay, so after the placing the hands over the waist, okay, dekhiye yahan pe bhi wahi likha hua hai, inspect with the hands at the waist or with contracted pectoral muscle. तो यहाँ पे एब्डोमिनल मसल थोड़ा सा कॉन्टैक्ट होता है, और यहाँ पे पेक्टोरिस मसल जो होता है कॉन्टैक्ट होता है, डेफिनेटली अगेन यहाँ पे कोई ट्यूमर वगैरह है, कोई डिस्चार्ज वगैरह है क्या, यहाँ पे हम क्लियरिफाई कर सकते हैं. तो दीज थ्री इमेजेस फॉर द इंस्पेक्टिंग ऑफ द ब्रेस्ट एंड लास्ट थ्री फॉर द पैल्पेशन ऑफ द ब्रेस्ट. नाउ इन द फोर्थ इमेज यू कैन सी वी आर पैल्पेटिंग. ओके, वी आर पैल्पेटिंग अंडर द एक्सिला. तो एक्सिलरी नोड वगैरह कोई वहाँ पे लिम्फाडेनोपैथी है क्या एक्सिलरी नोड का, वी हैव टू सी देयर. ओके, देन आफ्टर दैट सुप्रा क्लैविकुलर नोड में कोई लिम्फेडोनोपैथी है क्या, वी हैव टू सी दैट. ओके, एंड लास्टली दैट इन लास्ट इमेजेस ऑन सिक्स इमेजेस यू कैन सी वी हैव टू पैल्पेट द ब्रेस्ट. ओके, वी हैव टू पैल्पेट द ब्रेस्ट वन बाय वन. वी हैव टू पैल्पेट द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट एंड देन फॉलोड बाय द लेफ्ट वन. ओके, तो वी हैव टू पैल्पेट द ब्रेस्ट फॉर नोइंग पर्पज ऑफ एनी एब्सेस, एनी डिस्चार्ज इज कमिंग, और एनी टेंडरनेस इज देयर और रिबाउंड टेंडरनेस इज देयर नॉट. ओके, एंड वी हैव टू सी अ काइंड ऑफ ट्यूमर इज देयर और नॉट, और लंप इज देयर नॉट, बिकॉज यू नो मैं ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अ काइंड ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज अ सेकेंड मोस्ट डेवलपिंग कैंसर इन फीमेल्स. सो बहुत ही एडवांसमेंट है, और पर्टिकुलरली जो ब्रेस्ट एब्सेस है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, इसके केसेस रेगुलरली डे बाय डे रिप्रोडक्टिव जो एज होती है फीमेल्स की उसमें कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं. ओके, सो दीज फर्स्ट थ्री इमेजेस फॉर द इंस्पेक्शन पर्पस एंड लास्ट थ्री पर्पस लास्ट थ्री इमेजेस फॉर द पैल्पेशन ऑफ द ब्रेस्ट. ओके, तो ये देखिए, इंस्पेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट बाय रेजिंग हैंड अबोव द हेड कैन शो इट्स सिमेट्री. ओके, एंड इंस्पेक्टिंग ऑफ एनी डिस्चार्ज फ्रॉम निपल और नॉट ड्यूरिंग द पैल्पेशन, inspecting of any discharge from nipple or not during the palpation. Okay, inspection with the hand at rest by this pectoralis muscle contract and deep seated lumps can be diagnosed. That's why we have to say कि आप अपना hand अपने waist के ऊपर रखिए. Okay, because pectoralis muscle will contract and definitely deep seated lump can be diagnosed easily.
palpation of the axillary node, then supraclavicular node palpation of the outer half of a breast on supine position, okay, or any tenderness or not there. So you can examine female's breast in a standing position as well or in supine position as well, okay. So that is nothing but our palpation of the or a breast examination. Now you can see the Montgomery tubercles, these are the sign features in during the pregnancy, okay, but definitely we have to rule out any discharge or not. So during the palpation, कभी कभी ऐसा होता है कि देर इज़ अ डिस्चार्ज, देर इज़ अ लीकिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट, ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ ब्रेस्ट एब्सेस. तो वहाँ पे हमें लोकल एनेस्थेसिया वगैरह देकर, जनरल एनेस्थेसिया देकर अल्टीमेटली ब्रेस्ट एब्सेस को इंसीजन और ड्रेनेज, आई एंड डी, ओके, दिस आर द सर्जिकल टर्म, ओके, आई एंड डी, इंसीजन एंड ड्रेनेज हमें करना रहता है फॉर दैट ब्रेस्ट एब्सेस. ब्रेस्ट ट्यूमर वगैरह रहता है तो वी हैव टू कट दैट ट्यूमर और वी हैव टू रिमूव दैट ट्यूमर बार सर्जिकली. सो देर आर नंबर ऑफ वेज वी कैन प्रिवेंट और वी कैन काइंड ऑफ ट्रीट द ब्रेस्ट एब्सेस, ब्रेस्ट ट्यूमर, बट डेफिनेटली द रेगुलर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेस्ट कार्सिनोमा और काइंड ऑफ ब्रेस्ट एब्सेस. तो दैट इज ऑल अबाउट अवर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इन फीमेल.